स्वाद भरे नमस्कार के साथ स्वागत करती हूँ वहाँ मीनू वहाँ किचन में। आज जैसे ही मैं फालूदा सेव बनाने लगी तो देखा कि कॉर्नफ्लावर खत्म है। तब मैंने यूज किया कस्टर्ड पाउडर फालूदा सेव बनाने के लिए, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर भी कॉर्नफ्लावर ही होता है लेकिन फ्लेवर्ड। इससे पहले कॉर्नफ्लावर के साथ फालूदा सेव की रेसिपी फुल डिटेल में मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। फालूदा सेव बनाना स्टार्ट करने से पहले हमें जो जो सामान चाहिए उसकी तैयारी कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, सेव मेकर के हर एक पार्ट को ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। फालूदा सेव बनाने के लिए मैंने सेव मेकर का सबसे बारीक होल वाला अटैचमेंट यूज किया है, जिससे कि फालूदा सेव पतली पतली बनेंगी। अभी हम सेव मेकर के अटैचमेंट को टाइटली क्लोज कर देंगे। इसके साथ ही एक स्पून, किचन टावल और एक बड़े पतीले में फ्रिज का ठंडा पानी ले लेंगे, जिसमें हम फालूदा सेव निकालेंगे। ये सारा सामान अपने किचन काउंटर पे हम तैयार रखेंगे। गैस फ्लेम बंद ही रहने देंगे। हैवी बॉटम कढ़ाई में लेंगे हाफ कप कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर है, आप कोई और फ्लेवर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऐड कर देंगे 1 cup + 1/4 cup नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी, 2 tablespoons चीनी। गैस का फ्लेम अभी बंद ही रहने देंगे। चम्मच के साथ लगातार चलाते हुए एक स्मूथ स्लरी तैयार कर लेंगे। विदाउट एनी लम्स स्लरी तैयार हो गई है। अभी हम गैस फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम हीट पे रख लेंगे। चम्मच या फिर करछी के साथ लगातार चलाते हुए पहले 4 मिनट मीडियम हीट पर हम स्लरी को पकाएंगे और आप देखेंगे पूरे 4 मिनट के बाद स्लरी थिक हो जाएगी। फालूदा सेव तभी परफेक्ट बनेगी अगर इसका डो सही तरीके से पकेगा। स्लरी से डो और डो से फालूदा सेव निकालने तक का पार्ट मैंने बिना कट किए स्पीड में एडिट किया है। ये फालूदा सेव की नो फेल रेसिपी है, जिसे आप विदाउट एनी डाउट ट्राई कर सकते हैं। चम्मच के साथ लगातार चलाते हुए आप देखेंगे मिक्सचर हल्का हल्का गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया और पूरे 4 मिनट के बाद मिक्सचर पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है। मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए पूरे 4 मिनट हो गए हैं। अभी हम गैस का फ्लेम लो पे कर देंगे और लगातार चलाते हुए 3 मिनट के लिए मिक्सचर को पका लेंगे। इतनी क्वांटिटी में फालूदा सेव का डो बनने में पूरे 7 मिनट का टाइम लगता है, 4 मिनट मीडियम और 3 मिनट लो फ्लेम पर। जैसे जैसे मिक्सचर पकता जाएगा ये कढ़ाई की साइड्स को छोड़ने लग जाएगा, सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा और इसमें चमक आ जाएगी। लो फ्लेम पर पकाते हुए पूरे 3 मिनट हो गए हैं। मिक्सचर ने कढ़ाई की साइड्स छोड़नी भी स्टार्ट कर दी है और इसमें एक बहुत अच्छी चमक भी आ गई है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्म गर्म मिक्सचर को सेव मेकर में भर लेंगे। डो बनने के टाइम सेव मेकर को किचन टॉवल के साथ पकड़ लीजिए, क्योंकि गरम गरम डो ऐड करने से सेव मेकर बहुत गर्म हो जाता है, जिससे हाथ भी जल सकता है। डो भरने के बाद सेव मेकर के लिड को क्लोज कर देंगे। लिड अच्छी तरह से बंद है ये एक बार चेक कर लेंगे, फिर ही हम फालूदा सेव निकालना स्टार्ट करेंगे। डो के गर्म रहते ही फालूदा सेव पानी में निकाल लेंगे। डो ठंडा होने पे फालूदा सेव सही नहीं बनेंगी। सेव मेकर को गोल गोल घुमाते हुए फालूदा सेव पानी में निकालते जाएंगे। जब सेव मेकर चलना बंद हो जाएगा सेव मेकर को खोलेंगे, डो को एडजस्ट करेंगे, सेव मेकर बंद करेंगे और डो के खत्म हो जाने तक इसी तरीके से सेव निकालते जाएंगे। मैंने पूरा डो यूज करके फालूदा सेव निकाल लिया है और आप देख सकते हैं डो थोड़ा भी वेस्ट नहीं गया। अभी हम फोक के साथ हल्के हाथ से फालूदा सेव को हिला देंगे, जिससे कि फालूदा सेव खिली खिली बनेंगी और आपस में नहीं चिपकेंगी। अभी फालूदा सेव वाले पतीले को रख देंगे फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए, फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। 2 घंटे से पहले हम इसे टच नहीं करेंगे। फालूदा सेव के साथ ही मैंने बनाई है रबड़ी। मैं इसे रबड़ी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसे कुल्फी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रबड़ी की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसके साथ ही 1.5 कप पानी में 2 tablespoons सब्जा भी सोख कर दिया है। सब्जा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये फूल जाता है। फालूदा सेव सर्व करने के लिए एक टॉल ग्लास में ऐड करेंगे रोज सिरप। ये घर का बना हुआ रोज सिरप है। रोज सिरप की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट ऐड कर दिया है फालूदा सेव, सब्जा, ठंडी ठंडी रबड़ी, जेली क्यूब। ग्लास भरने तक इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे घर की बनी हुई क्रीमी आइसक्रीम, वो भी बिना क्रीम के। आइसक्रीम की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। लास्ट में गार्निश कर देंगे रोज सिरप एंड चॉप्ड नट्स के साथ। लीजिए तैयार है रॉयल रबड़ी फालूदा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।